Because I went to IIT, IIT Delhi, after 12th. वहाँ से उन्होंने चार दिन में निकाल दिया, वो अलग बात है. हाँ, उन्होंने कहा कि बाकी बच्चे पागल है साले, एग्जाम निकाल के आए. Another fun fact about me, I am a recovering addict. ऐसा कोई शराब सिगरेट गांजे का एडिक्शन नहीं है मुझे. I am addicted to this TV series called CID. देखा किसी ने? देखा? सर मेरे को तो एडिक्शन है, आपकी क्या मजबूरी थी? क्या सीरियल बनाए लोग ना, 21 साल तक चलाया यार. जिसमें से शुरू के 2 साल उन्होंने एक्चुअल क्राइम भी सॉल्व किया है, मर्डर किडनैपिंग वगैरह. उसके बाद 19 साल से देखो आप, पता नहीं क्या, एक भी नॉर्मल केस नहीं आ रहा उनके पास. चुड़ैल का बदला, खूनी पिशाच, अलग ही दुनिया में जी रहे बोले. एक बार तो हद ही कर दी उन्होंने, एक एलियन को पकड़ के ले आए, उसको बिठाया कुर्सी पर, उसको वो प्रद्युम्न थप्पड़ ही थप्पड़ मार रहा है, कह रहा कबूल कर तूने खून किया है. कोई आके पूछ रहा उनसे कि भाई साहब आपको उसका मुंह दिख रहा है कहीं पे? वो कहाँ से करेगा, कहाँ से कबूल वो? और आप जहाँ पे थप्पड़ मार रहे हो, आपको लग रहा है उसको टॉर्चर हो रहा है, क्या पता मजा आ रहा हो उसे. देख तो लो एक बार, अरे फांसी होगी तेरे को, फांसी. वो पूछ रहा उसका वकील, कह रहा भाई साहब कहाँ लगाओगे फांसी, गर्दन दिखाओ उसकी जरा एक बार. उन्होंने लगा भी दी फांसी. फिर मेडिकल के स्टूडेंट्स आए, वो उसको लेके गए बॉडी को कि भाई एलियन है, देखेंगे क्या है. 4 घंटे बाद बाहर आए, कह रहे भाई साहब ये तो बीन बैग है. वो अलग ही ठस्से में जी रहे यार. किसी को भी उनके सीआईडी के ऑफिस में घूम रहा था एक बनियान पहन के बेचारा गरीब सा लड़का, उसको अरे फांसी होगी तेरे को फांसी, कहता भाई साहब चाय देने आया था मैं यहाँ पे. किसी को भी फांसी दे रहा है. और उनका क्राइम सॉल्व करने का तरीका देखो, सारा क्राइम एक ही तरह सॉल्व करते हैं, ब्रूट फोर्स मेथड. दया अभिजीत जाओ पूरा मुंबई छान मारो, कोई सुराग तो मिलेगा. अरे मैं कहता हूँ मुंबई छोड़ो, अगर अपन सब लोग मिलकर तसल्ली से ये रूम छाने ना, यहाँ भी मिल जाएगा सुराग. बट ये कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन थोड़ी ना, 4 लोगों की टीम है तुम्हारी, 1 घंटे का एपिसोड. और आप बताओ सर, अगर आप अपना जीमेल का पासवर्ड भूल गए मान लो, तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करोगे या लैपटॉप लेके बैठोगे? आप तो सारा ABCD ट्राई कर लूंगा. कोई तो होगा मेरा पासवर्ड. ऐसा थोड़ी ना होता है. वो ऐसे ही कर रहा है सारा क्राइम सॉल्व. एक बार उसको लाश मिली, लाश की जेब से पर्ची निकली एक, तो पर्ची देके कहता है उसको दया को, दया जाओ मुंबई की सारी दुकानें छान मारो, किसी दुकान की तो होगी ये पर्ची. दया बोल रहा सर वो उस पर लिखा है पर्ची पे. वो श्याम टेलर से जानता हूँ मैं. अच्छा श्याम टेलर से, एक काम करो मुंबई में जितने भी श्याम टेलर जा, सर वो अंधेरी में दुकान पता है मेरे को, एड्रेस है उस पर, फोन नंबर है, उसको फोन करके बुलाते ना यहाँ पे. अच्छा अंधेरी में दुकान है, एक काम करो अंधेरी की सारी, सर पागल तो नहीं हो गए आप, छान मारो. बट माई फेवरेट कैरेक्टर इन CID इज दिस डॉक्टर, क्या नाम है उसका, सालुंग के भाई, समझ ही नहीं आता किचन में काम कर रहा है कि लैब में. ये लेजेट एपिसोड का लेजेट सीन है. वो अपना गैस पे कुछ पानी सा उबल रहा है, पीछे दया के बोलता है अरे डॉक्टर साहब चाय तो मैं भी पीऊंगा, कहता चुप बोल रही DNA की टेस्टिंग. मिस्टर इंडिया करके एक मूवी आई थी, देखिए सबने देखी होगी, कल्ट मूवी है. उसमें जो हीरो है प्रोटागनिस्ट, उसको गायब होने की शक्ति मिलती है, समझ रहे हो आप. गायब होने की शक्ति से याद आया, भी परसों मेरे सपने भगवान आए थे और उन्होंने कहा बेटा कोई भी एक सुपर पावर मांग लो मैं देता हूँ. और वो इतना प्रेशर वाला मोमेंट था, मैं सोच रहा हूँ कि काश मतलब कुछ अच्छी सुपर पावर मांग लो यार, लाइफ टाइम वो है अपॉर्चुनिटी, कुछ आ ही नहीं रहा दिमाग में. तो मैंने बहुत दिमाग पर जोर डाला, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि काश इस वक्त मैं दुनिया की सबसे कूलेस्ट सुपर पावर के बारे में सोच पाता. और भगवान ने कहा तथास्तु. तो अब मैं जब चाहूँ तब गायब होने के बारे में सोच सकता हूँ. और जिस चीज़ के बारे में सोच सकता हूँ, वो अनिल कपूर को 25 साल पहले मिल गई थी पावर. वो गायब हो सकता, वो कुछ भी कर सकता था, वो मोगैम्बो के घर में घुस के मोगैम्बो की गांड मार सकता था. और मोगैम्बो को पता भी नहीं चलता कौन मार के चला गया. बट भाई ने अपना पूरा फोकस, पूरी एनर्जी कहाँ लगा दी, एक लड़की को पटाएंगे पहले. वो भी कौन सी लड़की, जो तुम्हारे खुद के घर में रेंट से रहती है.
तुम नॉर्मल चीज़ें करके तो देखो पहले, उसका दो महीने का रेंट माफ़ कर दो, उसके बाथरूम में गीजर लगवा के देखो, क्या पता वैसे ही मान जाए। और जब वो अपने पूरे हुलिये में है तब उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि अपने भूखे बच्चों के लिए जाके समोसे मांग ले उससे, और गायब होकर गाने गा रहा है। बॉलीवुड ने हमको इतना लो सेल्फ एस्टीम वाला हीरो दिया ना, जिसको अपनी खुद की एग्जिस्टेंस पे भरोसा नहीं, वो गायब होकर वेंचर हीरो है। खुद के तुम्हारे घर में 17-18 बच्चों की भूखी फौज घूम रही है। एक बार गायब होकर डीमार्ट चले जाओ, काटे नहीं कटते दिन। बट इससे पहले कि मैं शुरू करूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप हिंदी समझ में आती है सबको? सही है, मेरे को बताया गया था बांद्रा पॉश एरिया।